सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ चैटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने ये ऐप बना लिया था जिसमें हम अगर कोई भी मैसेज ऐसे सेंड कर रहे थे तो इंटरफेस करने पे या ये बटन सेंड बटन प्रेस करने पे हमारा मैसेज जो है वो क्लियर हो जा रहा था, राइट। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड इसको नीचे अलाइन करते हुए साथ में हम ये देखेंगे कि कैसे जो भी हम मैसेजेस टाइप कर रहे हैं वो एक लिस्ट के फॉर्म में पूरा हमको विजिबल हो रहा है ना। तो वो बनाने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अपना वीएस कोड में जो पुराना कोड था उसमें ही हम यहाँ पर एक काम करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, हम इस फाइल को सेव करेंगे एज चैट मैसेज डॉट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको चैट मैसेज डॉट डॉट के नाम से सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंप्लीटली न्यू फाइल बना रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमेशा की तरह हम यहाँ पर करेंगे इम्पोर्ट अपना फ्लटर पैकेज डॉट फ्लटर, एक्चुअली पैकेज फ्लटर और फ्लटर के साथ अपना मटीरियल डॉट डॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम ना, यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। ठीक है, सो फॉर दैट वी कैन टाइप इट लाइक स्टेटलेस विजिट। बट अभी क्या करूंगा ना, मैं इसको पूरी तरीके से एक बार कोड करके देखूंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं भूल जाऊँ, राइट। तो मैं लिखूंगा क्लास जो हमने अपनी इसका नाम रखा है, दैट इज चैट मैसेज। ठीक है, एंड देन आई विल राइट एक्सटेंस स्टेटलेस विजिट। ये हमारा स्टेटलेस विजिट। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एट द रेट ओवरराइड। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा बिल्ड कंटेक्स्ट होता है वो हम यहाँ पे अपनी फाइल लिखेंगे, दैट इज विजिट बिल्ड, और बिल्ड के अंदर यहाँ पर आएगा बिल्ड कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइल। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसके अंदर से कोड करते हुए पूरा अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रिटर्न हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे अपना एक नया कंटेनर। ठीक है, मैंने एक कंटेनर यहाँ पर कर दिया है रिटर्न, और इस कंटेनर के पहले सबसे पहले हम इसको मार्जिन दे देंगे। तो मार्जिन मैं इसकी लिखूंगा, मार्जिन मैं इसकी कर दूंगा अगेन सिमेट्रिक, एंड सिमेट्रिक में इस बार मैं यहाँ करूंगा वर्टिकल में 10 pixels। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पर मार्जिन दे दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड बनाएंगे। चाइल्ड के अंदर यहाँ पर मैं बनाऊंगा अपनी एक नई रो। ठीक है, और इस रो के अंदर यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमको चाहिए कहाँ से, मतलब हम जो अलाइनमेंट चाह रहे हैं वो कहाँ से, वो हमारा, तो हम चाहते हैं हमारा जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट से हो। ठीक है, डॉट स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग से हमारा, मतलब सबसे ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसा मतलब ये फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, मतलब ऐसे ये ऊपर चला जाता रहा। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको अलाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज लिखूँ, दैट इज चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन को मैं यहाँ पे दूंगा एज विजिट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हम बनाएंगे एक कंटेनर, अगेन कंटेनर। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर चाहिए है कि अगर कोई भी मैसेज सेंड कर रहा था, एक अवतार टाइप का आना चाहिए, आइकन टाइप का। ठीक है ना, उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले एक नया कंटेनर बना ले रहा हूँ। अब इस कंटेनर के अंदर स्टिल जो पुरानी चीजें थी, दैट इज आर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, उसको भी हम यहाँ पर स्टार्ट दे दूंगा। इस कंटेनर के अंदर मैं दूंगा मार्जिन अपनी कॉन्स्ट, मार्जिन के अंदर यहाँ पर हम दे देंगे मार्जिन चाहिए हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली अपना आवेट आ रहे तो राइट साइड। ठीक है, तो मार्जिन चाहिए मुझे राइट से अराउंड कितनी 16 pixels। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमको क्या करना है, एक और मैं यहाँ पर चाइल्ड बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, फ्लटर में ऑलरेडी ये चीजें प्री रिटन या प्री एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्कल एवेटार, तो देखो आ गया सर्कल एवेटार के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू टेक्स्ट। ऑब्वियस है एवेटार में नेम क्या आना चाहिए अपना, है ना, तो चाइल्ड के अंदर आएगा अपना न्यू टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ना एक नेम डिक्लेयर कर दूंगा, दैट इज नेम और जीरो। जीरो मीन्स इनिशियली यहाँ पर हम एक नेम अलाइन कर, नेम जो है ना वो डिफाइन कर दे रहे हैं, एंड दैट नेम विल बी देयर। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक यूनिवर्सल वर्ड बना देता हूँ, दैट इज कॉन्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद जो अपना नेम हमने यहाँ लिखा है, तो नेम के अंदर मेरा होना चाहिए दैट विल बी। ठीक है, एंड इट विल एंड विद द सेमी कॉलन। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ऐसा कर दिया। इससे क्या हुआ ना, इससे क्या हुआ कि ये जो नेम है ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो
तो क्या होगा, जब भी एवेटार आएगा तो एवेटार के बाद बगल में जो नाम लिख के आता है वो मेरा नाम लिख के आएगा, जो कि मैंने अभी अपनी लिस्ट में वहां पे एंटर कर दिया। अगर आप चाहो तो कुछ और डाल सकते हो एंड इट विल बी शोइंग यू दैट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको बनाना है एक मैसेज के लिए जगह, ठीक है, जहां पर भाई मैं मैसेज अपना दिखा सकूँ जो कि मुझे मैंने भेजा था या जो मैंने वहां से सेंड किया था, ये सेंड अ मैसेज सर। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एक नया कॉलम, मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया अपना, और इस कॉलम के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अगेन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमने स्टार्ट से होनी चाहिए, ये रही हमारी स्टार्ट। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर हम लिखूंगा रिचर्ड, यहाँ पर मैंने क्या किया एक चिल्ड्रन बनाया है। अब इस चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा ओके। तो ना अभी क्या है, हमने यहाँ पर बनाया है एक विजिट। अब विजिट के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना नया टेक्स्ट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मुझे डेटा क्या देना है, डेटा सबसे पहले रहेगा मेरा नेम जो कि मैंने ऊपर वेरिएबल अपना डिफाइन किया है। देन उसके बाद यहाँ पर रहेगी एक स्टाइल, तो स्टाइल में यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर स्टाइल में मैं लिख दूंगा थीम डॉट ऑफ। ठीक है, और उसके बाद कंटेक्स्ट, ये ऑटोमेटिक है कंटेक्स्ट अपना जो कि यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये बिल्ड कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट, तो वो यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना है डॉट टेक्स्ट थीम, ये रहा हमारा टेक्स्ट का थीम, वो होना चाहिए सबटाइटल वन। ठीक है, हमने यहाँ पे कर रहा है हमारा टेक्स्ट की थीम को सबटाइटल वन कर दिया। अब अगर इस पर होवर करोगे तो ये मतलब लाइक बताएगा क्या है। ठीक है, तो ये देख सकते हो बिल कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट लिखा हुआ है। इट डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स अ पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस प्रेजेंटेड बाय दिस विजिट। तो अपन इस विजिट से जो भी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं वो इसमें विजिबल कराएगा, दिखाएगा। ठीक है ना, तो अभी क्या करा है ना, यहाँ पर हमने इतना लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, ये तो बेसिकली अपने उसका हो गया, तो ये हमने बनाया एक एविडर। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया एक कॉलम जिसके अंदर अपना नाम और वो चीज सारी जो अपनी है वो विजिबल रहेंगी, लाइक एवेटार के साथ अपना नेम विजिबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक और यहाँ पर हम बनाएंगे कॉलम, कॉलम कह रहा हूँ, एक यहाँ पर हम बनाएंगे कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक नया कंटेनर बनाया है। व्हाट दिस कंटेनर विल बी डूइंग इज कि यहाँ पर ना जो भी हमने वहां पे टेक्स्ट लिखा है लाइक उसमें वो कैच करेगा वो इधर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया, ये पहला वाला अपने उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आएगा अपना नेम जो हमने इधर लिखा है दैट इज मेरा नाम। देन यहाँ पर आएगा थीम जो कि ये कॉपी कर रहा है टेक्स्ट थीम से। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करेंगे हम मार्जिन देंगे, तो मार्जिन में लिखूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे मार्जिन में लिखूंगा एज इंसर्ट्स ओनली, ओनली हमको चाहिए मार्जिन यहाँ पर टॉप के लिए दैट इज 5 पॉइंट। ठीक है, तो मैं हम लाइक 5 माइल मार्जिन ले लेंगे। देन यहाँ पर मैं एक चाइल्ड बनाऊंगा, और इस चाइल्ड में ना जो भी अपना टेक्स्ट आएगा दैट विल बी न्यू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर डेटा अपना क्या होगा, डेटा हम यहाँ पर डाल देंगे टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट को मेरे को यहाँ पर एक तरीके से ना बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट वो क्या रहा है, या टेक्स्ट यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर आफ्टर दिस लाइन मैं यहाँ लिखूंगा एक स्टेटमेंट दैट इज फाइनल फाइनल, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद अपना जो टेक्स्ट है जो मैंने वहां पे डिफाइन किया था दैट इज स्मॉल टेक्स्ट, उसको अपने को यहाँ पर कैच करना है। कहाँ से उसको कैच करना है, यहाँ से चैट मैसेज, उसके बाद रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कर रहा हूँ दिस डॉट टेक्स्ट। इससे क्या होगा ना, ये ना अपना कैच करेगा, अभी हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है ना, तो ये हो गया इतना हिस्सा, और ये क्या कह रहा है यू सर, यहाँ पर हमको एक कॉमा ऐड और करना पड़ेगा देने पर भी। ठीक है, तो अभी इतना हमारा सेक्शन ये हो गया है रेडी। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, अब हमको जाके ना एक कोड यहाँ पर क्रिएट करना है दैट विल बी फॉर यू नो, ये है हमारा जो चीजें हमने जो वहां पे लिखी है वो लाइक जो मैसेज हम उधर लिख रहे हैं वो कैसे यहाँ पे ले रहा है एंड ऑफ, वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना। ओके सो अब क्या करना है, यहाँ पर ना हम आएंगे अपने चैट सेक्शन में, ये जो है हमारा चैट सेक्शन,
है, तो हमारा जो चार्ट सेक्शन है यहाँ पर ये दिख रहा है। हमने अभी यहाँ पर क्या किया था, अभी हमने यहाँ पर ये बनाई थी फाइल, ठीक है, फाइनल न्यू टेक्स्ट एडिटिंग इधर कंट्रोलर, हमने मतलब अपना फाइल को कंट्रोलर दिया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ना एक लिस्ट के लिए भी बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल और लिस्ट के लिए कैपिटल एल लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आएगा अपना चार्ट मैसेज, ये रहा मैसेज चार्ट मैसेज, इसको मैं डिनोट करूंगा अंडरस्कोर मैसेजेस से, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बता देंगे किससे, दैट इज आर चार्ट मैसेज, एंड ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक फाइनल लिस्ट बनाई कि जो हमारा लिस्ट है चार्ट मैसेज की, मतलब जो भी हम चार्ट मैसेजेस यहाँ से भेज रहे हैं वो एक मैसेजेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए, लाइक ठीक है। और यहाँ पर ना हम इसको ऐसे चैट मैसेजेस से डिनोट करेंगे, एंड यह समझ लेना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आके ये जो हमने यहाँ पर हमने लिखा है ना टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग डिनोट करिए, अब इसको यहाँ पर हमको आके एक कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दैट इज चैट मैसेज, ये रहा हमारा चैट मैसेज, इसको हमने डिनोट किया ऑब्वियसली यहाँ पर अंडरस्कोर मैसेज, इसको मैं यहाँ लिखूंगा एज न्यू चैट मैसेज। अब इस चैट मैसेज के अंदर टेक्स्ट रहेगा अपना, जो टेक्स्ट हमने वहां पे डिफाइन किया है, ठीक है ना। अगर लाइक आप लोग को प्रोग्रामिंग आती है ना, सो इट विल बी नॉट दैट डिफिकल्ट समझने में कि यहाँ बेसिक लॉजिक हम क्या लगा रहे हैं या बेसिक हम यहाँ पर क्या चीजें लिख रहे हैं, ठीक है ना। बट यही ना, अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, देन मे बी इट माइट बी यू नो लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब हमको ना यहाँ पर एक और वेरिएबल ऐड करना, दैट विल बी सेट स्टेट, हमको यहाँ पर सेट स्टेट करना है, दैट विल बी मैसेजेस डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हम लिखेंगे 0 मैसेज, ठीक है, एंड इट विल बी सेमीकोलन हियर। सो मे बी यहाँ पर हमने कुछ एरर किया है, लेट मी चेक अनदर फाइल। सो यहाँ पर ना ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया है, चैट मैसेज ये जो हमारा एक टेक्स्ट फंक्शन है, ये यहाँ से यहाँ पर जनरेट होने वाला टेक्स्ट को कैच करने वाला था, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, इधर ना इस चीज को गलत कर दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर कर, ठीक है, इसको हटाते हुए यहाँ ये पूरे सेक्शन में ना ये स्ट्रिंग टेक्स्ट हटा के यहाँ पेस्ट कर देना, इससे क्या ये भी सही हो जाएगा और यहाँ पर हमने जो अपना टेक्स्ट वेरिएबल डिनोट किया है वो भी हमारा पूरा एरर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने एक जनरेट किया है ये कंट्रोलर, ये क्लियर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने यहाँ क्या किया है, हमने मैसेजेस को कैच करने के लिए यहाँ पर एक चार्ट मैसेज लिया जिसको हमने मैसेजेस से डिनोट किया है, उसके अंदर यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट फाइल है जो हमारी उसको कैच, मतलब ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर होंगे जो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमने मेंशन किया है क्लास राइट टेक्स्ट की, देखो टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, तो हमारा जो टेक्स्ट वहाँ पे जनरेट होगा उसको ये कैच करके हमको उस वाली फाइल में थ्रो करेगा, एंड वहाँ पे हम इसको विजिबल करा देंगे, इसका लाइक इन शॉर्ट मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है। एंड आई कैन से दैट या मे बी थोड़ा सा ना कोड डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि लाइक फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा, बट चल कोई वो नहीं है, अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको आइडिया है तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ना हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको आइटम बिल्डर के अंदर सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देंगे आइटम बिल्डर के अंदर, दैट विल बी पैडिंग, हमको यहाँ पे पैडिंग देनी है, ठीक है। तो पैडिंग में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पूरी साइड में, ठीक है, मतलब लाइक हर चारों तरफ में यहाँ पर मैं इनको पैडिंग दे दूंगा एच, यहाँ पर आएगा एज हमारी ऑल एंड उसकी वैल्यू होगी 8.0, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक तो एक काम कर थोड़ा फैसल करते, यहाँ पर मैंने एक तो पैडिंग दे दी, ठीक है, ठीक है? देन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ना आफ्टर दिस हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स, आफ्टर दिस रिवर्स, बिकॉज हमको क्या, देखो जो भी हम लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो ऐसी आएगी टॉप से बॉटम, बट 1 2 3 4 5,
हमको चाहिए रिवर्स में ताकि ऐसे जाए, 1 2 3, समझ रहे हो, लाइक नीचे से ऊपर जाए ऐसे, सबसे पहले सबसे नीचे, फिर वो वाला ऊपर चला गया उसके नीचे, फिर वाला ऊपर चला गया उसके नीचे, तब रिवर्स में जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक और चीज, दैट इज लिस्ट व्यू, सॉरी दैट इज आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पर आती है दो चीज, फर्स्ट इज कंटेक्स्ट एंड सेकेंड इज इंडेक्स। तो कंटेक्स्ट हम यहाँ पर कर देंगे कुछ भी नहीं, दैट इज नल, ठीक है। और इंडेक्स में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक इंट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाएंगे मैसेजेस, हमको मैसेजेस के लिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी मैसेजेस और उनका इंडेक्स, ठीक। हमने आइटम बिल्डर पे क्या कर दिया, अपना मैसेज का इंडेक्स, एंड यहाँ पर हम करेंगे आइटम काउंट। आइटम काउंट ऑब्वियसली अगर हम काउंट कर रहे हैं किसी भी आइटम को, तो हम यहाँ पर लेंथ का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैसेजेस डॉट लेंथ, तो इससे क्या आइटम का काउंट, मतलब कितनी लिस्ट हमने कितने आइटम्स उनका काउंट, इसको पूरा पूरा पता चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना सेक्शन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक डिवाइडर ऐड करना है, ठीक है। सो फॉर एडिंग अ डिवाइडर, मैं यहाँ लिखूंगा एक न्यू डिवाइडर। इस डिवाइडर के अंदर ना यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एक चीज, दैट इज हाइट। हाइट मुझे डिवाइडर की रखनी है 1.0, ठीक है, छोटी ज्यादा कुछ नहीं बड़ा रखना है। सो हाइट मैंने अपने डिवाइडर की कर दी है 1.0, एंड यहाँ पर ना अब इसके बाद एक और चीज बनाएंगे हम अपना कंटेनर। सो वी विल राइट इट एज न्यू कंटेनर। तो यहाँ पर हम अराउंड एक न्यू कंटेनर बना देंगे, ठीक है। तो इस न्यू कंटेनर के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कुछ लाइक डेकोरेशन कंटेनर के लिए। तो डेकोरेशन मैं लिखूंगा, सपोज मुझे चाहिए एक नई डेकोरेशन, तो डेकोरेशन मैं कैसे लिखूंगा, न्यू डेकोरेशन, न्यू लिख दूंगा यहाँ पर बॉक्स डेकोरेशन, लिखा ये रहा न्यू बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन हमको कैसी रखनी है, उसके बाद यहाँ पे कलर, कलर के अंदर हम थीम डिसाइड करेंगे अपना। तो थीम होना चाहिए मेरा थीम डॉट ऑफ, ऑफ के बाद यहाँ क्या लिखूंगा मैं कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट के बाद डॉट कार्ड कलर, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब ये सजेशन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद इधर पे ना राइट हियर अपना एक जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था सेक्शन, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना टेक्स्ट कंपोजर विजिटर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये जो चीजें, सेकंड लेट मी फॉर्मेट दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो चीजें हैं लाइक जो अपन ने ऊपर लिखी है जनरेट करी, वो इस क्लास के अंदर आनी थी, तो वो भी आ जाएंगी। प्लस हमने जो यहाँ पर कोड किया है वो भी हमारा सक्सेसफुली वर्क करेगा, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना इसको एक बार रीलोड करके देखता हूँ क्या एरर आता है। एक हाल फिलहाल तो अभी कोई भी एरर नहीं आया है ना। अब एक काम करते हैं इसको रन करके देखते हैं, आई विल राइट ए, और देखो ए आ गया, ठीक है। देन आई विल राइट अगेन, दिस इज स्टार्टिंग आप, ये भी आ रहा है, इट वॉज मेड इन टू पार्ट्स, ये एंटर नहीं हुआ, राइट, दिस वॉज मेड इन टू पार्ट्स, तो सब आ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा चैट एप्लीकेशन, हमने रेडी कर दिया, ठीक है ना। अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक मैं पूरा टाइप ही करके रहूंगा आज, है ना। तो ये रहा हमारा सब्सक्राइब, है ना। तो ये रहा हमारा एक चैट एप्लीकेशन जो कि हमने बनाया दो वीडियोस में, राइट। पहले में हमने टेक्स्ट वाला सेक्शन, दूसरे में हमने लिस्ट वाला बनाया। आई थिंक दैट इसमें कुछ हमने डिफिकल्ट कॉम्पोनेंट कवर करे, दैट इज दिस आइटम बिल्डर कैसे आ रहा है, राइट। देन यहाँ पर हमने ये थीम वगैरह और कंटेक्स्ट वगैरह क्या किया है। तो यार ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। अब इसमें होता ही है ना कि लाइक जिसका वेब डेव अच्छा होगा वो समझ जाता है, रीड करके ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लाइक जो नया हो, जिसको वेब डेव का बिल्कुल ही आइडिया ना हो, एक बार एक काम करना, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना फ्लटर का, एक बार चेक कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है ना, एग्जैक्ट मीनिंग के साथ मिल जाएगा। अब मैं अगर एक एक चीज, लाइक अभी अपन ने लाइक इसी वीडियो में अराउंड 70 लाइन्स का कोड किया है, दूसरे में भी किया, तो अगर मैं आपको वो समझाने में लग, एक एक एलिमेंट समझाता ना, तो बहुत टाइम चला जाता। इसलिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी फ्लटर के बेसिक्स क्लियर है, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इन चीजों का अलाइनमेंट और इन चीजों का यूज करके हम एक ऐप बना सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कॉम्पोनेंट, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अपकमिंग वीडियो में हम और कूल अमेजिंग चीजों को कवर कर पाए, राइट।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम एक और ऐसे ही कोई नया एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए सी, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। तब तक के लिए सी, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।